सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताऊंगा कि सेंट जेवियर कॉलेज में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो बाद में आपको कैंसिल कराना हो तो आप कितना आपको रिफंड मिलेगा, रिफंड पॉलिसी इसका क्या है। ठीक है, भवानीपुर का तो आपको पता है कि कुछ नहीं नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इसका है, बट इसका क्या है वो चलिए देखते हैं। ठीक है, रिफंड पॉलिसी क्या है इस कॉलेज का वो नजर आपको नीचे यहीं पे दिख जाएगा। जैसे एडमिशन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन एंड रिफंड यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। और यहाँ पे क्या है एक बार मैं फिर से तो बोल रहा है कि फी रिफंड जो पॉलिसी है वो आपका यूजीसी का नोटिफिकेशन जो रहता है उसी के बेसिस पे ही आपको मिलेगा रिफंड। ठीक है, आपको फी रिफंड नहीं मिलेगा जब आपका एडमिशन कैंसिल होगा ड्यू टू फॉल्सिफिकेशन, या आप कोई गलत चीज लिखे हो, कोई फेक चीज करके एडमिशन लिए उसके बाद आप कैंसिल करवाना चाहते हो, उस केस में आपका एडमिशन में फी रिफंड नहीं होगा। लेकिन नॉर्मली जो होता है, नॉर्मल आपको सब कुछ ठीक है फिर भी आप एडमिशन के में एडमिशन करा के आप रिफंड लेना चाहते हो, मीन्स कैंसिल करवाना चाहते हो, डेफिनेटली हो जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम, बस कॉलेज कुछ चार्जेस काटेगा और वो जो कि मैक्सिमम आपका होगा 5,000 या फिर 5%, दोनों में जो मैक्सिमम होगा वही कटेगा। ठीक है, और अगर आप इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, सपोज करो आप बीकॉम में एडमिशन लिए हो और आप बीएमएस करना चाहते हो तो आपका ट्रांसफर फीस आपका 3,000 रुपया डिडक्ट होगा। तो ये था एडमिशन। और आपको रिफंड कैसे लेना है, आपको लेना है एक यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप जिसको एडमिशन कैंसिल करवाना है आप मैंडेट लिख मैंडेट फॉर्म करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा यहाँ पे ऑनलाइन मैंडेट फॉर्म, इस पे क्लिक करके आपको एक फॉर्म मिलेगा तो चीज आपको फिलअप करना है और उसके बाद उसका इसी का प्रिंट आउट निकालना है। उसके बाद प्रिंट आउट निकालने के बाद सेल्फ अटेस्टमेंट, खुद का साइन करना है, स्कैन करना है और मेल करना है ये सब। अगर आप बीकॉम एडमिशन ले चुके हैं इस ईमेल आईडी में आपको मेल करना है, तब उसको वेट करना है और 15 दिन के अंदर आपको एक नोटिस आएगा और तब वहां पे उसके बाद आपको फर्दर रिफंड का पॉलिसी बता जाएगा, आपका बैंक नंबर या कुछ भी लेगा, देन आपका क्लियरली मीन्स कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपको रिफंड 15 दिन के अंदर मिल जाएगा। और बात ये रहे कि आपका जिस वक्त एडमिशन हो उसके 15 दिन के अंदर ही आप लोग एडमिशन कैंसिल के लिए करें, या फिर कॉलेज को अपना अपडेट देगा कि इस दिन के अंदर एडमिशन कैंसिल हो सकता है, उसी वक्त करे तभी आपको रिफंड अच्छा खासा मिलेगा, नहीं तो फिर आपको नहीं मिलेगा रिफंड। ये बात का ध्यान रखिएगा, जिस वक्त कॉलेज या फिर कॉलेज नॉर्मल यूजीसी बोला है 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा ये रिफंड के लिए अप्लाई, नहीं तो उसके बाद आपको यूजीसी में खुद लिखा हुआ है कि वो लोग नहीं देगा कुछ आप लोग को एडवांस, ये रिफंड कुछ नहीं मिलेगा और 15 दिन के बाद अप्लाई करते हो ये रिफंड के। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि यूजीसी का नोटिफिकेशन क्या है। यूजीसी का जो जो लोग फॉलो कर रहे हैं सेंट जेवियर कॉलेज, उसका ये रिफंड के लिए क्या है नोटिफिकेशन, तो ये रिफंड ऑफ फीस है। रिफंड ऑफ फीस है ये कि आप कितना मिल सकता है, आपको 100% मिल सकता है, 90, 80, 50, 60 और 0 भी मिल सकता है अगर आप 30 दिन लगा देते हो एडमिशन का लास्ट डेट के बाद। 30 दिन के बाद आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप 30 दिन या 30 दिन से कम या 15 दिन से ज्यादा लगाते हो, मीन्स कि आपको कॉलेज का नोटिस 1 तारीख को है, ठीक है, आप 15 या ये आप 16 तारीख 17 तारीख को जाते हो रिफंड लेने के लिए तो आपको 50% ही रिफंड मिलेगा। अगर आप 15 दिन से कम में करते हो तो आपको 80% मिलेगा। ये 15 दिन या 15 दिन से कम करते हो तो 80% मिल सकता है, 90% मिल सकता है। ठीक है, और आप 100% मिल जाता, कुछ कुछ कॉलेज 100% लेते, बट 100% कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा कुछ प्रोसेसिंग फी डिडक्ट करके जो कि कुछ परसेंट होता है। मैक्सिमम हमको लगता है गवर्नमेंट कॉलेज जाओगे तो मैक्सिमम आपको 1,000-2,000 लेंगे कटेंगे, ये मीन्स जेवियर कॉलेज शायद आपका 5% काटे, 5% आपका तो लगभग वही 1,000-2,000 के अंदर ही आपको आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। मैक्सिमम जो काट सकता है प्रोसेसिंग फी वो है 5,000। ठीक है, लेकिन आपको रिफंड जरूर मिलेगा, बट आप लेट मत करना, 30 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है, ये था रिफंड पॉलिसी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिएगा। थैंक यू सो मच।